नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं उसकी हम रीडिंग कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर के अंदर जो बिजली के मीटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो मैकेनिकल होता है और दूसरा होता है डिजिटल। दोस्तों मैकेनिकल इस प्रकार का होता है जैसा कि आपको इमेज के अंदर भी दिखाया जा रहा है, और डिजिटल इस प्रकार का होता है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिंगल फेस कनेक्शन की ही बात कर रहे हैं और सिंगल फेस मीटर की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल मीटर की। तो दोस्तों मैकेनिकल मीटर के अंदर जो हमें रीडिंग चेक करना होता है वो बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि मैकेनिकल मीटर के अंदर स्क्रीन पे सामने ही जो रीडिंग शो होती है वही हमारी रीडिंग होती है, और सामने KWH लिखा होता है। KWH का मतलब किलो वाट पर हाउस, तो 1 घंटे में हमारी कितनी रीडिंग कंज्यूम हुई है, तो KWH का जहाँ आती है वही हमारी रीडिंग होती है। तो दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल आसान होता है रीडिंग लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिजिटल मीटर की, क्योंकि दोस्तों डिजिटल मीटर होता है उसके अंदर काफ़ी फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें गुड डेट टाइम, KWH, किलोवाट और KVA और PF MD और 00। तो दोस्तों इतने फंक्शन होने के बाद हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारी वास्तविक रीडिंग कौन सी है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों डिजिटल मीटर के अंदर भी रीडिंग लेना काफ़ी आसान है, लेकिन बस यही है कि हमें थोड़ा इसके अंदर वेट करना पड़ता है, और यदि आपके घर के अंदर डिजिटल मल्टीमीटर अगर पुश करने का है, इस तरह का बटन आता है, यदि आप बटन दबा करके आप रीडिंग को निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होती है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, जो कि देखा जाए तो गुड गुड मतलब ओके, डेट मतलब उसी समय की डेट आएगी जिस समय हम उसी दिन हम रीडिंग चेक कर रहे हैं, और टाइमिंग उसी समय का आएगा जिस समय हम टाइमिंग चेक कर रहे हैं, उसी टाइमिंग पे हम रीडिंग ले रहे हैं, और KWH के बाद जो रीडिंग आती है वही हमारी वास्तविक रीडिंग होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक चक्रव्यूह भी बनाया। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको देख पा रहे हैं, ये मैंने गौर सर्कल के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि दोस्तों गुड गुड के बाद आएगी डेट, उसी समय की डेट आएगी जिस समय आप रीडिंग चेक कर रहे हो, उसी समय की यहाँ पे डेट आएगी। जैसे कि दोस्तों आज 25 तारीख है, तो 25/12/2020, और उसी समय की टाइम आएगा जिस समय आप रीडिंग ले रहे हो, तो उसी समय का टाइम है, जैसे कि 10:30 PM हो रहा है, और उसी समय की वर्तमान रीडिंग होगी जो कि इसमें शो हो रही है, जैसे इसमें 3612 रीडिंग आ रही है। उसके बाद लोड आएगा, लोड अपना हमारा है KW मतलब लोड मतलब 0.5। उसके बाद KVH आएगा, उसके बाद PF आएगा, उसके बाद MD, MD मतलब मैक्सिमम डिमांड, और PF मतलब पावर फैक्टर, और उसके बाद 0.0, उसके बाद आए गुड। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके अंदर ये पूरी तरह से चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, सबसे पहला आएगा गुड, गुड के बाद आएगा डेट, डेट के बाद आएगा टाइम, टाइमिंग के बाद जो भी आता है वही हमारी रीडिंग होती है। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहला आता है गुड, गुड के बाद आता है डेट, डेट के बाद आता है टाइम, टाइम के बाद जो भी आता है KWH में वही हमारी वर्तमान रीडिंग होती है, जो कि हमें मैकेनिकल मीटर में शो होती है। जो मैकेनिकल मीटर में शो होती है वही रीडिंग हमारी टाइम के बाद शो होती है, दोस्तों वही हमारी रीडिंग होती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।